प्रिय विद्यार्थियों, हम आपको पिछले वीडियो में मैंसुरेशन 8 नंबर की, अलजबरा आपके 18 नंबर की, कोऑर्डिनेट आपके 5 नंबर की, त्रिकोणमिति आपके 12 नंबर की, रियल नंबर आपके 5 नंबर के, संख्यांकी आपके 10 नंबर की यूनिट बाय यूनिट करा रहे हैं, समझा रहे हैं। आप वीडियो देखते रहें, समझते रहें। हम आपको 10th क्लास का टोटल सिलेबस करा देंगे। आप आराम से घर बैठे बैठे पढ़ते रहें, समझते रहें और वीडियो को देखते रहें। ज़रा ध्यान दें, क्वेश्चन क्या है। आंकड़ों 6, 2, 1, 4, 3 की माध्यिका ज्ञात करो। अब आप देखिए अपने आंसर या सलूशन में, सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपने आंसर में या सलूशन में आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखना है। आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखना है, तो 1, 2, 3, 4, 6 ये आपका आरोही क्रम है। ज़रा ध्यान दें। अब आप देखिए जो आपका आरोही क्रम निकल के आया है, इसमें आपके पद कितने हैं। पद आपके 5 हैं। जो आपका विषम है, n बराबर आपका 5 हो गया। जो आपका विषम है, विषम के लिए फार्मूला या सूत्र क्या लगता है, ज़रा देखिए। माध्यिका बराबर n प्लस 1 बटे 2 बे पद का मान, n प्लस 1 बटे 2 बे पद का मान। यहाँ पर आपका n का मान 5 है, एक ऐड करेंगे तो 6 बटे 2 बे पद का मान, 6 बटे 2 बे पद का मान। जब आप इसको काटेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 3 वे पद का मान। अब आप 3 के वे पद के मान को कहाँ से ढूंढेंगे, कहाँ से देखेंगे, कहाँ से सर्च करेंगे, देखिए ज़रा। जो आपके आरोही क्रम वाले मान निकल के आए हैं, उसमें आपका तीसरा पद क्या है, ज़रा ध्यान दें। आरोही वाले क्रम में आपका तीसरा पद क्या है, 3 है। तो यही आपका आंसर है, यही आपका सलूशन है। आप वीडियो को बार बार पढ़ते रहें, समझते रहें। अगर आपको वीडियो सही व सटीक लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको और भी इम्पोर्टेंट प्राप्त होता रहे।